इस वीडियो में हम ग्लोब के बारे में जानेंगे कि ग्लोब क्या है, ग्लोब से हमारे प्लैनेट अर्थ की जानकारी हम किस तरह से पा सकते हैं, साथ ही ग्लोब के लैटिट्यूड्स यानी अक्षांशों के बारे में भी स्टडी करेंगे और अर्थ के हीट जोन्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ग्लोब है क्या। इस फिगर को देखिए, ग्लोब कुछ इस तरह का ही दिखता है। ग्लोब हमारे प्लैनेट अर्थ का ही एक 3-डायमेंशनल ट्रू मॉडल है जो कि अर्थ को समझने के काम आता है, यानी कि ग्लोब पृथ्वी का ही एक छोटा सा 3D रूप है। इस ग्लोब को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि ग्लोब के अंदर झुकी हुई अवस्था में एक सुई होती है जो कि इस अर्थ के मॉडल को होल्ड करके रखती है। तो इस सुई को ही हम ग्लोब का अक्ष यानी कि एक्सिस कहते हैं। असल में अर्थ के पास ऐसी कोई सुई नहीं होती है। अर्थ की एक इमेजिनरी एक्सिस होती है जिसके अबाउट अर्थ हमेशा रोटेट करती रहती है। अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। ग्लोब के अंदर जो सुई होती है वो ग्लोब के जिन दो पॉइंट से होकर गुजरती है उन दोनों पॉइंट्स को पोल्स कहते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक पोल का नाम होता है नॉर्थ पोल और एक पोल होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है। अर्थ पोल्स पर थोड़ी सी चपटी और बीच में से थोड़ी सी उभरी हुई है। अर्थ जिस शेप की है उसे जियोट कहा जाता है, हिंदी में इसे भू आप कहा जाता है। तो हम ऐसा मान कर चलते हैं कि अर्थ लगभग गोलाकार ही है। गोल अर्थ पर किसी भी प्लेस की पोजीशन बताना काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स और कुछ इमेजिनरी लाइंस की हेल्प से हम किसी भी प्लेस की पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। अर्थ के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली एक इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर कहा जाता है, हिंदी में इसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहा जाता है। यह इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इस पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इस पार्ट को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अर्थ पर अलग अलग प्लेसेस की पोजीशन को बताने के लिए इक्वेटर सबसे इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होता है। इक्वेटर से पैरेलल जितने भी लाइंस होते हैं जो कि इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं उन्हें लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब तक हमने ये जाना कि ग्लोब पृथ्वी का ही एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर कहा जाता है। यह इक्वेटर पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के ऊपरी भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं क्योंकि यह नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करता है, और इक्वेटर के निचले भाग को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं क्योंकि यह साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इक्वेटर से समानांतर पोल्स तक खींची जाने वाली सभी काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड्स कहा जाता है। अब हम लैटिट्यूड से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स को जानेंगे जिसे याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब ध्यान से देखिए, लैटिट्यूड्स को हमेशा डिग्री में मेज़र किया जाता है। इक्वेटर भी एक प्रकार का लैटिट्यूड ही होता है जिसका डिग्री मेज़र यानी कि एंगुलर वैल्यू 0 डिग्री होती है। लैटिट्यूड जिस हेमिस्फीयर में लाई करता है उस हिसाब से उसकी एंगुलर वैल्यू के साथ एन या एस लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ताकि इससे ये पता चल सके कि ये लैटिट्यूड आखिर किस हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो उसकी एंगुलर वैल्यू के साथ एन, और अगर लैटिट्यूड साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो उसकी एंगुलर वैल्यू के साथ एस लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इक्वेटर की एंगुलर वैल्यू के साथ एन या एस इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि इक्वेटर न तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और न ही साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए इक्वेटर की एंगुलर वैल्यू के साथ न तो एन लिखा जाता है और न ही एस लिखा जाता है। इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। अब इस लैटिट्यूड को ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस लैटिट्यूड की एंगुलर वैल्यू
45 डिग्री नॉर्थ है, यानी कि इस पूरे लैटीट्यूड की एंगुलर वैल्यू 45 डिग्री नॉर्थ है। तो अगर इस लैटीट्यूड की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे तो 45 डिग्री नॉर्थ ही हमें लिखना पड़ेगा, और सेम इसी तरह से इस केस में भी यहाँ पर 45 डिग्री साउथ ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस लैटीट्यूड की एंगुलर वैल्यू ही 45 डिग्री साउथ है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि इक्वेटर से एंगुलर वैल्यू मेजर करने पर हम मैक्सिमम 90 डिग्री तक ही पहुंच सकते हैं, उसके बाद एंगुलर वैल्यू डिक्रीज होने लगती है और फाइनली 0 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ पर किसी लैटीट्यूड की मैक्सिमम एंगुलर वैल्यू 90 डिग्री तक ही पहुंच सकती है। ये या तो नॉर्थ पोल की हो सकती है या फिर साउथ पोल की हो सकती है। अगर 90 डिग्री N लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि यह नॉर्थ पोल की एंगुलर वैल्यू है, और 90 डिग्री S लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि यह साउथ पोल की एंगुलर वैल्यू है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट सभी लैटीट्यूड्स को नॉर्दर्न लैटीट्यूड्स और साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट सभी लैटीट्यूड्स को साउदर्न लैटीट्यूड्स कहा जाता है। अर्थ पर टोटल नंबर ऑफ लैटीट्यूड्स 181 और दो लैटीट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर होती है। लैटीट्यूड्स को हमेशा ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ किया जाता है। इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ मूव करने पर लैटीट्यूड्स का साइज घटता जाता है। अब हम कुछ पार्टिकुलर लैटीट्यूड्स के बारे में जानेंगे जिनकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे पहले है इक्वेटर, इसकी एंगुलर वैल्यू 0 डिग्री होती है, और उसके बाद इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसकी एंगुलर वैल्यू 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे की ओर 90 डिग्री साउथ जिसकी एंगुलर वैल्यू होती है उसे साउथ पोल कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और पार्टिकुलर लैटीट्यूड होती है, इसकी एंगुलर वैल्यू 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसे कर्क रेखा कहा जाता है। और सेम इसी तरह से नीचे की तरफ भी एक पार्टिकुलर लैटीट्यूड होती है जिसकी एंगुलर वैल्यू 23.5 डिग्री साउथ होती है, और इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और एक लैटीट्यूड होती है ऊपर की तरफ जिसका एंगुलर वैल्यू 66.5 डिग्री नॉर्थ होती है, इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं। आर्कटिक सर्कल, और सेम इसी तरह से नीचे भी एक लैटीट्यूड होती है जिसकी एंगुलर वैल्यू 66.5 डिग्री साउथ होती है, और इसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो इस तरह से हमने 7 मेजर लैटीट्यूड्स के बारे में जाना जिनकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस होती है। सबसे पहले तो इक्वेटर जिसकी एंगुलर वैल्यू 0 डिग्री होती है, और उसके बाद नॉर्थ पोल इसकी एंगुलर वैल्यू 90 डिग्री नॉर्थ होती है, और उसके बाद साउथ पोल इसकी एंगुलर वैल्यू 90 डिग्री साउथ, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसकी एंगुलर वैल्यू 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। सेम इसी तरह से नीचे की तरफ भी एक लैटीट्यूड होती है जिसकी एंगुलर वैल्यू 23.5 डिग्री साउथ होती है, और इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ एक 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और नीचे की तरफ 66.5 डिग्री साउथ, इसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब हम अर्थ के अलग अलग हीट जोन्स के बारे में जानेंगे। हीट जोन्स जिसे हिंदी में ताप कटिबंध कहते हैं, तो इसे समझने के लिए इस फिगर को ध्यान से देखिए। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच वाले एरिया में सूर्य की किरणें बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक तिरछी रेखा में पड़ती हैं, ठीक है। और सेम इसी तरह से ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच वाले एरिया में भी सूर्य की किरणें बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा तिरछी रेखा में पड़ती है, तो इस वजह से इस एरिया में सालों भर ठंडी पड़ती रहती है, और इसे शीत कटिबंध यानी कि फ्रिजिड जोन कहते हैं। आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाले एरिया में सूर्य की किरणें हल्की तिरछी पड़ती हैं, और ठीक ऐसा ही कंडीशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाले एरिया में देखने को मिलता है। तो इसलिए इन दोनों एरियाज को टेम्परेट जोन कहते हैं, और हिंदी में इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहती है,
टेम्परेट जोन में जलवायु परिवर्तन की स्थिति को देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान हमेशा मध्यम रहता है, यानी कि टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है। इस वजह से इन दोनों एरियाज में मौसम की बदलाव को हम देख सकते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले पार्ट को देखिए, ठीक है। तो इस जगह पर, इस एरिया में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। तो इस वजह से यहाँ पर मौसम की बदलाव यानी कि जलवायु परिवर्तन बहुत ही कम देखने को मिलती है, लगभग ना के बराबर, और यहाँ पर सालों भर गर्मी पड़ती रहती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया में सूर्य की सीधी किरणों के पड़ने की वजह से इस एरिया में टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, और इसलिए इसे उष्णकटिबंध यानी कि टॉरिड जोन कहते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि ग्लोब हमारे प्लैनेट अर्थ का थ्री डायमेंशनल ट्रू मॉडल है। ग्लोब के बीचों बीच खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरी साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के पैरेलल और पोल्स की तरफ मूव करने वाली इमेजिनरी लाइंस को लैटिट्यूड्स कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 181 एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स अप्रॉक्स 111 किलोमीटर होती है। इसके बाद हमने कुछ पार्टिकुलर लैटिट्यूड्स और हीट जोन्स के बारे में जाना। की टर्म्स की डेफिनेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें, और इस तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।